खबर लखनऊ से है, जहां पर बहुजन समाज पार्टी की तैयारियां तेज हो गई हैं। अब देश भर में संगठन को धार देने में जुटी है बसपा। तो बहुजन समाज पार्टी की 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। लोकसभा चुनाव में मजबूत दावेदारी के लिए बैठकें शुरू कर दी गई हैं। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, बसपा प्रमुख मायावती नेताओं से ले रही है फीडबैक। बसपा ने INGIA और NDA गठबंधन से बना रखी है दूरी। तो वहीं बता दें कि बहुजन समाज पार्टी ने INGIA और NDA से दूरी बना रखी है। अब वो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। बसपा सुप्रीमो मायावती सभी नेताओं से फीडबैक ले रही है। अब देश भर में संगठन को धार देने में जुटी हुई है बसपा। बता दें कि लोकसभा चुनाव में मजबूत दावेदारी के लिए बैठकें शुरू कर दी गई है। बहुजन समाज पार्टी की ये तैयारियां चल रही हैं। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा प्रमुख मायावती नेताओं से फीडबैक ले रही है। आज से शीतकालीन सत्र का आगाज, खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां पर आज से शीतकालीन सत्र का आगाज हो रहा है। 4 दिन तक चलेगा शीतकालीन सत्र। तो ये शीतकालीन सत्र 4 दिन तक चलेगा, आज से आगाज हो चुका है। दिवंगत नेता को दी जाएगी श्रद्धांजलि। तो बता दें, दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी। 29 नवंबर को अध्यादेश अधिसूचनाएं पटल पर रखी जाएंगी। नवंबर को अनुपूरक को अनुदानों पर चर्चा की जाएगी। 1 दिसंबर को सदन में विधायी कार्य निपटाए जाएंगे। लखनऊ में 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों का यह पूरा मामला है, खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थी पहुंचे अखिलेश यादव के आवास पर, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थी अखिलेश यादव के आवास पर पहुंचे। अखिलेश यादव से मुलाकात करने पहुंचे थे अभ्यर्थी। तो 69,000 शिक्षक भर्ती का ये पूरा मामला है। पुलिस ने अभ्यर्थियों को समझा कर वापस इको गार्डन भेजा। लगातार अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं और आज अभ्यर्थियों ने अखिलेश यादव के आवास को घेरा। अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे थे, पुलिस बस में बैठाकर अभ्यर्थियों को इको गार्डन भेजा गया है। थाना गौतमपल्ली क्षेत्र की घटना है। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का ये पूरा मामला है। शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थी पहुंचे अखिलेश यादव के घर। बता दें कि अखिलेश यादव से मुलाकात करने पहुंचे थे अभ्यर्थी। विधानसभा में सपा कार्यालय का उद्घाटन होगा आज, खबर लखनऊ से, जहां पर विधानसभा में सपा कार्यालय का उद्घाटन किया जाएगा। नवीनीकरण के बाद आज सपा कार्यालय का उद्घाटन है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, अखिलेश यादव रहेंगे मौजूद। तो विधानसभा, बता दें कि सपा कार्यालय का जो उद्घाटन है, कांग्रेस बसपा कार्यालय को तोड़कर बनाया गया है नया कार्यालय। सदन में संख्या बल ज्यादा होने पर बना बड़ा कार्यालय। कांग्रेस और बसपा को कार्यालय के लिए केबिन अलॉट हुए हैं। सपा विधायक मंडल दल की बैठक आज, खबर लखनऊ से है, जहां पर आज सपा विधायक मंडल दल की बैठक होगी। सुबह 9 बजे से सपा कार्यालय में होगी बैठक। देखिए, आज शीतकालीन सत्र का आगाज हो रहा है, इसी के मद्देनजर आज सपा विधायकों की बैठक है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की अध्यक्षता में होगी बैठक। विधानसभा सत्र के संचालक को लेकर होगी बैठक, खबर लखनऊ से है, जहां पर आज समाजवादी पार्टी के विधायकों की बैठक है। सुबह 9 बजे से ये बैठक शुरू होगी। सत्र में सरकार को घेरने के मुद्दे पर होगी चर्चा। आज से शुरू हो रहा है विधानसभा का सत्र, जिसको लेकर आज चर्चा किया जाएगा। समाजवादी पार्टी की विधायकों की आज बैठक है सुबह 9 बजे से। तो बता दें कि सपा विधायक मंडल दल की बैठक है, सुबह 9 बजे सपा कार्यालय में होगी बैठक, खबर लखनऊ से है। घने कोहरे में डूबा यूपी, विजिबिलिटी हुई बेहद कम। गाड़ियों, ट्रेनों और विमानों की रफ्तार पर हुआ असर। लखनऊ आने वाली कई फ्लाइट्स लेट, ट्रेनें भी लेट, विजिबिलिटी कम हो गई है। लखनऊ आने वाली फ्लाइट्स, ट्रेनें लेट हो गई। लखनऊ और आसपास के इलाकों में घना कोहरा आज देखने को मिल रहा है। रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर, सुल्तानपुर, बहराइच में कोहरा देखने को मिल रहा है आज। विजिबिलिटी कम हो गई है, जिससे कई ट्रेनें भी लेट हो गई। पश्चिमी यूपी के जिलों में कोहरे का असर देखने को मिल रहा है।
घने कोहरे के साथ साथ ठिठुरन भी बढ़ गई है। तो बता दें कि घने कोहरे के साथ साथ ठंड भी बढ़ गई है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता चलते मौसम बदला। अधिकतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। रात के पारे में 2 से 3 डिग्री तक आ सकती है गिरावट। तो कहा जा रहा है कि रात के पारे में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट आ सकती है। घने कोहरे में डूबा यूपी विजिबिलिटी बेहद कम हो चुकी है आज।